माता का आंचल पाठ जो है शिव पूजन साहे जी के द्वारा लिखा गया है और इस पाठ में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से ग्राम की संस्कृति का परिचय दिया गया है, यानी ग्रामीण संस्कृति का परिचय यहाँ पर लेखक ने दिया है। लेखक शिव पूजन साहे के द्वारा यह चैप्टर लिखा गया है। इसमें उनका बचपन का नाम तारकेश्वर होता है और उनके पिताजी जो हैं उन्हें साथ सुलाते थे, सुबह उठाते और नहलाते भी थे और पूजा के समय उन्हें अपने पास बिठा करके शिव जी के जैसा तिलक उनके माथे पर लगा देते थे, जो उन्हें बहुत प्रसन्नता देता था, खुशी देता था। पूजा के बाद पिताजी उसे कंधे पर बिठा करके गंगा जी में मछलियों को दाना खिलाने के लिए ले जाते थे और राम नाम लिखी हुई पर्चियाँ जो होती थी आटे की गोलियों में बना करके गंगा में डालकर लौटते हुए रास्ते में उन्हें पेड़ों के डालों पर झुलाया करते थे। जब वो लोग घर आते थे तो पिताजी चौके पर बैठाकर अपने हाथों से उन्हें खाना भी खिलाते थे, लेखक को खाना खिलाया करते थे अपने हाथों से। मना करने पर उनकी माँ बड़े प्यार से उन्हें तोता, मैना, कबूतर, मोर आदि के बनावटी टुकड़े बना करके खाना खिलाया करती थी। खाना खाकर बाहर जाते हुए ही जब माँ उन्हें पकड़ लेती थी तो उनके बालों में तेल लगा करके कंघा कर दिया करती थी और उन्हें कुर्ता टोपी पहना करके उनकी चोटी बना दिया करती थी और चोटी में एक फूलदार लट्टू भी लगा देती थी। और इस तरह लेखक रोना धोना शुरू करके बाबूजी की गोद से बाहर आ जाते, उनकी गोद में आकर के बाहर आ जाते और बाहर आते ही वो बच्चों के साथ खेलने कूदने लग जाते, चबूतरे पर बैठ करके तमाशा किया करते, नाटक किया करते और साथ ही मिठाइयों की दुकान भी लगाया करते थे। मिठाइयाँ जो होती थी वो मिट्टी की ठेकरों की बनी हुई होती थी और किसी दूल्हे की पालकी जब जाती थी तो उसे देख करके वे सभी लोग तेज तेज चिल्लाया करते थे। अपने दोस्तों के साथ लेखक काफ़ी तेज आवाज़ में उस पालकी का मजाक भी बनाते थे। एक बार रास्ते में आते हुए लड़कों की टोली ने मुसन तिवारी को बुढ़वा बेईमान कहकर चिढ़ा दिया। तिवारी जी ने उनको खूब खदेड़ा, खूब मारा और जब ये लोग भाग गए तो मुसन जी पाठशाला जाते हैं, स्कूल में जाते हैं और टीचर से खूब लेखक की पिटाई करवाते हैं। और यह सुनकर के लेखक के पिताजी आते हैं, अध्यापक से विनती करते हैं, टीचर से विनती करते हैं और उन्हें अपने साथ घर ले आते हैं। इस प्रकार से अपने पिताजी के साथ वो गले लग करके फिर रोते हैं और कुछ ही देर में रोना धोना भूलकर अपनी मित्र मंडली के साथ, दोस्तों के साथ फिर से एकाकार हो जाते हैं और साथ मिलकर के खेतों में चले जाते हैं, चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। चिड़ियों के उड़ जाने पर जब एक टीले पर जाते हैं तो वहाँ पर चूहे का बिल है और उसके आसपास पानी डाल देते हैं जिसमें एक सांप निकल आता है और अब लेखक और उसके साथी डर करके गिरते पड़ते भागते लहूलुहान स्थिति में घर पहुँचते हैं तो सामने उन्हें पिताजी दिखाई देते हैं। पिताजी उनके हुक्का पी रहे होते हैं परंतु पिताजी के साथ ज़्यादा वक्त बिताने के बावजूद भी लेखक अंदर जाकर के अपनी माँ से लिपट जाते हैं और इस लिपटने में उन्हें बहुत ज़्यादा सुरक्षा महसूस होती है, उन्हें आराम मिलता है और माँ भी उन्हें घबराते हुए आँचल से उसकी धूल साफ़ करती हैं और उनको हल्दी का लेप लगाती हैं। इस प्रकार से पूरे पाठ को बहुत ही अच्छे से मनोरंजक तरीके से यहाँ पर लेखक ने लिखा है और यहाँ पर माँ का प्यार जो है विशेष रूप से माँ के प्रति लेखक का प्यार जो है उसे बताया गया है। हालांकि पिताजी के वो ज़्यादा करीब थे, ज़्यादा उनके आसपास रहते थे, ज़्यादा उनसे खेला करते थे लेकिन फिर भी माँ का जो प्यार है वह अद्भुत है और उनके साथ जो लेखक का लगाव है पूरे पाठ में अंत में जा करके यही इसका निष्कर्ष लेखक बताते हैं कि माँ का आंचल जो है वह अत्यंत सुखदायक है और वहीं पर जा करके कितने भी कष्ट आ जाएं मनुष्य के जीवन में उसे व्यक्ति को माँ के आंचल में छुप करके जो शांति मिलती है वह पिता के सानिध्य में नहीं मिलती है और यही भावना जो है इस पाठ में दिखाई गई है। पूरे पाठ में ग्रामीण अंचल का, ग्रामीण संस्कृति का, गांव में किस प्रकार से लोग रहते हैं उसका वर्णन किया गया है। लेखक के समय का, गांव का चित्रण काफ़ी यहां पर
सजीव चित्रण किया गया है। सजीव यानी जिसे हम पढ़ करके अपने हमारे सामने एक बिंब उत्पन्न हो जाता है, यानी हमारे सामने एक चित्र चलने लग जाता है, उसे सजीव चित्रण कहा जाता है। इस प्रकार से माता का आंचल पाठ जो है यहाँ पर माँ के साथ उनके संबंध को बताता है।